कर पाते हो। अच्छा जल्दी से आ जाओ, कोई जो भी आना चाहता है माइक के पास। मैम क्राइटेरिया नहीं क्लियर। मैं क्राइटेरिया कैसे लगते हैं वही नहीं मालूम? वो तो पता है अच्छा क्राइटेरिया मालूम है, मैम, यस तो फिर क्या पता नहीं है बेटा, लगाना नहीं आता क्वेश्चन में, लगाना लगाना नहीं आता। नहीं आता। ठीक है, क्राइटेरियाज मालूम है लेकिन लगाना नहीं आता, इसका मतलब है कि क्राइटेरिया अच्छे से मालूम नहीं है। तो लगाना ना जैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। चलिए हम वापस से एक बार क्राइटेरिया से शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्राइटेरिया से सबसे पहले एस 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 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एस एस एस। नहीं सुनो तो बात जाओ, ये सुना बस तो डिसिप्लिन जी, बस बातें नहीं। अभी हम जीरो नंबर वन, बट यू शुड बी डिसिप्लिन बॉय हाँ जी बिल्कुल और है, क्या लिखा है कहाँ पर? कैन यू सी साइड्स की लेंथ थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर है। ब्लर है। एक सेकंड, नाउ कैन यू सी? यस ओके तो मुझे बताओ साइड्स की लेंथ क्या क्या दे रखी है? ठीक सेंटीमीटर। नेमिंग क्या क्या ली है? एबीसी एंड पी क्यू आर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल में साइड्स बराबर हो रही हैं? ठीक यस है, अब देखो जरा ये ट्रायंगल में आपके पास, चलिए पहले इसकी बात करते हैं, ये आपकी ए बी साइड है, ये बी सी साइड है, ये ए सी साइड है। ओके अब मैं अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहती हूँ, आपको मालूम है कॉन्करेंसी का मतलब एक फिगर दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये दूसरा ट्रायंगल है, मैं सुपर इम्पोज कर रही हूं। ओके, ये मैंने इसके ऊपर इस पोजीशन में रखा तो ये सुपर इम्पोज हो रहा है, पूरी तरह से इसको कवर कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर कीपिंग इट लाइक दिस मैं इसको ऐसे रखूं तो क्या सुपर इम्पोज हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे रखूं, हो गया। सेम ही दो ट्रायंगल हैं, दो पोजीशंस पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तीसरे पर नहीं हो रहे हैं। कुछ बात समझ में आती है क्यों ऐसा हो रहा है? साइड्स तीन बराबर हैं, इसमें भी तीन जो साइड्स हैं और जो इसकी साइड्स की लेंथ है वो बराबर है। इस पोजीशन में रखें तो सुपर इम्पोजिशन हो रही है, एक दूसरे को प्रॉपरली कवर अप कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूं नहीं हो रहे हैं, अगर मैं ऐसे रख दूं हो रहे हैं। तो ये बात समझ में आती है, जो हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। अगर इस पोजीशन में रख रहे हो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में क्या बता पाओगे? क्या क्या है इसमें? जो ये साइड है क्या है ये? नेमिंग बताओ। यार ये पी और ये क्यू, और इसको जब मैं सुपर इम्पोज कर रही हूं तो पी क्यू के साथ कौन सुपर इम्पोज हो रहा है? बीसी बी सी। पी क्यू के साथ, सॉरी बी सी के साथ पी क्यू सुपर इम्पोज हो रहा है। ऐसे ही जब आप इधर देख रहे हो तो बी ए के साथ कौन सुपर इम्पोज हो रहा है? यार और ये नीचे वाली साइड्स आपकी इस अकॉर्डिंग सुपर इम्पोज हो पा रही है। तो जब हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करें तो अब मुझे यहां पर बताना कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं तो इसके साथ सुपर इम्पोज होने वाला ये ट्रायंगल,
यू कैन सी इसी पोजिशन में सुपर इम्पोजिशन हो रही है, तो ये ए बी सी के साथ कौन सा ट्रायंगल सुपर इम्पोज हो रहा है? इज इट पी क्यू आर? ध्यान से देख के बताओ, ए बी सी, ए बी सी के ऊपर ये इस तरीके से रखा जा रहा है, दिस इज हाउ इट इज बीइंग सुपर इम्पोज्ड. आर पी क्यू क्यू. तो सबसे पहली बात तो ये जो कंफ्यूजन होता है कि नाम में क्या रखा है, भैया नाम में बहुत कुछ रखा है जब आप कॉन्करेंसी की बात करते हो. अगर मैं ए बी सी के साथ बोलूं पी क्यू आर, लो जी गड़बड़ हो गई. जब ए बी सी के साथ पी क्यू आर को सुपर इम्पोज कर रही हूं तो हो ही नहीं रहा है. ये आपका ए बी सी, ये आपका पी क्यू आर, इस पोजिशन में दिस इज ए के साथ पी, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर, सुपर इम्पोजिशन नहीं हो रही. इसका मतलब जब हम कहें कि नेमिंग इम्पोर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ढूंढना इम्पोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग सब क्राइटेरिया भी लगते हैं और फिर आपके कंक्लूजन्स भी निकलते हैं. तो ये बात अभी समझ में आई है क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली? ठीक है जी, तो यहां पर हमने जो क्राइटेरिया डिस्कस किया दैट इज एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्करेंसी, एंड अलोंग विद दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द नेमिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो जिसके इक्वल है उसी के साथ रखोगे तभी सुपर इम्पोज होगा, वरना सुपर इम्पोजिशन नहीं होगी, वरना कॉन्करेंसी नहीं आएगी, इवन दो साइड्स की लेंथ बराबर थी. ओके, दूसरी बात हम करते हैं एस ए एस. एस ए एस में हमने क्या कहा था? एस ए एस क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल मेरे पास हैं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था. अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो इंक्लूडिंग है उसी को इक्वल होना पड़ेगा, तभी सुपर इम्पोजिशन की बात होगी, वरना सुपर इम्पोजिशन की बात हो नहीं सकती है हमारे पास. लो जी, जरा इस बात को भी समझ लो. लो जी, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, इनमें अगर आप डायमेंशंस जो मेंशन है उनको देखते हो, क्या क्या है? 18, 15 और एंगल कितना है? 35. यहां पर भी देखते हो तो 18, 15 एंड एंगल इज 35. ठीक है जी, अब यहां पर देखो 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के बीच का एंगल कितना है? 35. और यहां पर 15 और 18 के बीच का एंगल क्या 35 है? क्या मैं ये दो फिगर सुपर इम्पोज कर पाऊंगी? तुम्हारे सामने है क्या दोनों एक जैसे सिमिलर फिगर दिख रहे हैं? नो नहीं. इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दो साइड्स तुम बराबर कह रहे हो, ये 15 और 18 के बीच का एंगल था, तो यहां पर भी 15 और 18 के बीच का एंगल अगर 35 डिग्री होगा, ये नहीं कि कोई भी और एंगल 35 हो जाए तो कॉन्करेंसी हो जाएगी, फिगर्स सेम हो जाएंगे, नहीं होंगे. आपको क्राइटेरिया को समझना होगा सबसे पहले, तभी अप्लाई करना आएगा. तो आई होप ये दो फिगर्स आपको समझ में आ रहे हैं देखने से ही कि सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, क्योंकि क्राइटेरिया मीट ही नहीं हो रहा. क्राइटेरिया मीट कब होना था? जब 15 और 18 के बीच का एंगल 35 होता. यहां 15 और 18 के बीच का एंगल 35 नहीं है, वन ऑफ द एंगल्स इज 35 बट नॉट बिटवीन 15 एंड 18 सेंटीमीटर वाला साइड. इसका मतलब एस ए एस क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए आपके पास इंक्लूडिंग एंगल का सेम होना जरूरी होता है. फिर हम बात करते हैं ए ए एस. देखो जी, ये दो फिगर्स सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं,
इसमें आपके पास साइड्स हैं 16.5, 14.5, 20, एंड आई हैव नेम्ड इट, एंड एंगल्स आर 80, 55 एंड 45, इफ यू कैन सी। दो एंगल बीच की साइड सेम यहां पर है आपके पास 45, 55, और इन बिटवीन जो साइड है वो 20 है। तो अगर आप इसको इसके ऊपर, यहां पर भी देखो, ये आपके पास ये सुपर इम्पोजिशन हो रही है, ठीक है जी। और दो एंगल बराबर होने पर तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे रख करके सुपर इम्पोज कर दूं, किसी भी पोजिशन में सुपर इम्पोज करूंगी तो ये सुपर इम्पोज होगा ही। इसका मतलब क्राइटेरिया हुआ आपका AAS, या तो फिर ASA, दो एंगल्स के बीच की साइड हो, या दो एंगल और कोई भी और साइड इक्वल हो, तो जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्करेंट होंगे। लास्ट क्राइटेरिया RHS। RHS क्राइटेरिया में अब यहां पर आपके पास ये दो ट्रायंगल्स, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स जिनके हाइपोटेन्यूज सेम, लेंथ ऑफ साइड्स सेम, अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखूंगी तो ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर से सेम हो जाए, या बेस बेस से सेम हो जाए, तो आपके ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो जाते हैं, एंड दिस क्राइटेरिया इज योर RHS क्राइटेरिया। तो SSS, SAS, AAS, या इसको अलग नहीं बोलते AAS या ASA, एंड लास्ट वन इज योर RHS। अब क्वेश्चंस को करते हुए मैंने उस दिन भी आपको ये बात बोली थी, सबसे पहले ढूंढा करो कि आपको क्वेश्चन में इक्वल क्या क्या चीजें दे रखी। तीन चीजें बराबर करनी है, चाहे कोई सा मर्जी क्राइटेरिया आप ले लो। अगर SSS की बात करोगे तो तीन साइड्स इक्वल करनी है, SAS की बात करोगे तो दो साइड्स एक एंगल इक्वल करना है, AAS की बात करेंगे तो दो एंगल एक साइड को इक्वल करना है। सिर्फ एक RHS है जिसमें दो से बात बन जाती है, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 90 गिवन है, बट एटलीस्ट तीन चीजों को सेम करना पड़ता है इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक टू ट्राइंगल्स कॉन्क्रीट, ठीक है जी। तो हम वापस से आपकी एक्सरसाइज 7.1 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और अब जिसको समझ में नहीं आए, अब ये आप लोगों की ड्यूटी है कि जिसको समझ में नहीं आएगी बात, वो चाहे एक को नहीं समझ में आए चाहे सबको समझ में नहीं आए, यू आर सपोज टू रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट, क्योंकि आपका डाउट आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। मैं डाउट क्लैरिफाई कर सकती हूँ, दैट आई कैन गारंटी, बट आपका डाउट मैं समझ नहीं सकती हूँ अंटिल एंड अनलेस यू टेल मी दैट दिस इज द डाउट, ओके। सो ये अब आपकी ड्यूटी है, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करवाना, ओके। निकाल लो जी, एनसीईआरटी से ही शुरुआत करेंगे, बाकी बातें बाद में देखेंगे। निकालो अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। आई एम ड्रॉइंग द फिगर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। निकाल लो एनसीईआरटी, खोल लो सारे अपना। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर मुझे दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है मुझे, ACB, ए और बी को ज्वाइन किया गया है। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको डायग्राम पर भी लेके आना है और कॉपी में लिखना भी है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो कॉपी में डायग्राम को रीड्रॉ नहीं कर रहा, एवरीवन है नाइस और देख के हो जाएगा, देख के नहीं होगा कुछ भी। ओपन योर पेन्स एंड कॉपीज, ड्रॉ द फिगर इन योर कॉपी, फटाफट से सब फिगर ड्रॉ करोगे, और जो इसमें ये इक्वल टू लिख के, मतलब ये जो साइन दिए हैं, ये तुमने ऐसे नहीं बनाने, तुमने सिर्फ अभी फिगर ड्रॉ करना है, प्लेन फिगर ड्रॉ करो बस, दैट्स इट। हो गया सभी का ड्रॉ फिगर, यस।
चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. ए सी इज इक्वल टू ए डी. ए सी साइड ए डी के इक्वल, इक्वल साइड बनाने के लिए हमें इस तरह से हम लाइंस डालते हैं ताकि हमें पता चल जाए फिगर को देख के. मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े, मुझे समझ में आ जाए कि कौन सी दो साइड्स इक्वल दे रखी. फिर ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए. ये ए बी है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडिंग इट इन इक्वल पार्ट्स. बाइसेक्ट करने का मतलब दो पार्ट्स में जो कि बराबर हैं डिविजन हो रही है. इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर. ठीक है जी. अब मुझे बताना है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट करने. कौन से ट्रायंगल? अगेन नेमिंग इज इंपॉर्टेंट, आप देख चुके हो. अगर नेमिंग गलत होगी तो बात बनेगी नहीं. लो जी. हाँ जी. अब जो बच्चा कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता कुछ भी, मेरे से होता ही नहीं है क्वेश्चन, ऑनेस्टली किसी भी सेक्शन में से जितने जो भी बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि मेरे से क्वेश्चन आता ही नहीं है, मुझे माइक के पास आ जाओ. आप ही अभी क्वेश्चन करके दिखाओगे. आ जाओ फटाफट आ जाओ. डोंट हेजिटेट कि मुझे नहीं आता. मैं बार बार बात कह रही हूँ, चैप्टर मुश्किल है, दिक्कत आती है. या अगर टीचर्स हैं क्लास में जो सब्जेक्ट ही टीच करते हैं, अगर उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप माइक के पास उसको भेज दीजिए. इफ सब्जेक्ट टीचर इज देयर तो उनको मालूम रहता है कि क्लास में किसको दिक्कत आती है और कहाँ दिक्कत आती है. आ जा बेटा, आ जा. ये कोई इसमें देयर इज नथिंग टू बी. नहीं आया तो नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है? क्लास में इसलिए सीख नहीं आते हो? शाबाश बेटा. अब मुझे बताओ यहाँ पर इन दो ट्रायंगल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है? क्या क्या दिख रहा है तुम्हें जो हमने पढ़ा क्वेश्चन में? क्या क्या समझ में आया इन दो ट्रायंगल में? अभी हम कॉन्करेंसी की बात नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं ए बी सी और ए बी डी. ये दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है. ठीक है जी. क्राइटेरिया याद है बेटा? बोल बेटा. हाँ जी. क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास एस एस एस, एस ए एस, ए एस, ए एस ए एंड आर एच एस. ठीक है जी. पांच क्राइटेरिया है मेरे पास, मैं वापस लिख देती हूँ. एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, ए एस. ये दोनों तो एक ही बात है, और फिर हम कहें तो आर एच एस. क्या क्या इंफॉर्मेशन इस डायग्राम पे से आपको नजर आ रही है वो मुझे लिखवा दो बेटा. इन दो ट्रायंगल्स के बारे में मुझे क्या क्या पता चल रहा है? बोल बेटा. शाबाश, जल्दी से. क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्या गिवन है? बुक कहाँ है बेटा? कॉपी पे नोट किया? हाँ. आप सोचो कि बिना पढ़े आ जाएगा, नहीं आएगा. किसी भी टीचर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा देगा और तुम्हें सब कुछ आ जाएगा. नहीं होगा, एफर्ट करना पड़ेगा. पढ़ बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले स्टेटमेंट क्या दी है क्वेश्चन में? हाँ जी. ए सी इज इक्वल टू ए डी. ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर. दूसरा क्या दिया है? कौन सा एंगल किसके बराबर? अगर यहां से नेमिंग करनी हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, नेमिंग करनी आती है एंगल की बेटा? एंगल वन को क्या बोलूं? नेमिंग करो. सी ए बी बी ए सी क्या लिखूं? जोर से बोल बेटा. सी ए बी. और ये दो को क्या लिखूं? हाँ जी, डी ए बी. इन दो ट्रायंगल में ये इसके बराबर साइड हो गई है, ये एंगल इसके बराबर हो गया है. अब जरा क्राइटेरिया के ऊपर ध्यान दे दो. पहला क्राइटेरिया है एस एस एस. मेरे को एक साइड का तो पता चल गया बराबर है, इसके लिए तीनों साइड बराबर करनी थी. क्या बाकी साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पास?
कोई और साइड बराबर है, कोई दिख रही है और कोई साइड बराबर? जोर से बोल भाई, सुनता है मुझे ऐसे? हेलो अब कुछ बराबर नहीं दिखता, आंखें खोल के देखो बेटा, शायद कुछ बराबर दिख जाए। बेटा ये तुम्हारा ट्रायंगल एसीबी और दूसरा ट्रायंगल एबीडी, क्या कुछ दिखा? कॉमन कॉमन नहीं मतलब कुछ बराबर दिखा? क्या दिखा, कुछ दिखा बराबर? ए बी इज इक्वल टू, तीन चीजें बराबर हो चुकी हैं, दो साइड्स एक एंगल। दो साइड एक एंगल अगर बराबर हो तो कौन सा क्राइटेरिया है इसमें से जो लग सकता, भी लगेगा कि नहीं वो सोचना पड़ेगा, कौन सा क्राइटेरिया इनमें से लग सकता है? एस सी एस के लिए एक जो बड़ी जरूरी बात थी वो क्या थी? दो बराबर साइड्स के बीच के एंगल को बराबर होना था। क्या वो बात बन रही है यहां पर? तो कौन सा क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए? कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय एस ए एस रूल। अब मुझे ये बता दो, क्या है इस क्वेश्चन में जो समझ में नहीं आया? शाबाश, जल्दी से। अभी भी अगर कोई ऐसी बात जो अभी भी दिमाग में है कि नहीं बात बन रही, नहीं समझ में आ रहा, तो बता दो मुझे। आ गया पक्का? क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ फिर बेटा जरा। इसमें कहा गया, शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल एबीडी, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अब वो कह रहा है कि साइड बीसी और बीडी के बारे में क्या कुछ कह सकते हो आप? क्या ये बराबर होंगी, क्या एक दूसरे से बड़ी होगी या एक दूसरे से छोटी होगी, क्या होगा इनके? वो बराबर होंगी, क्योंकि अगर आपके पास ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो गए, तो अभी हमने देखा जब दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो उनकी बराबर साइड्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं। ये सुपर इम्पोज कर रही हैं, इसका मतलब है ये वाला अगर ट्रायंगल मैं उसके ऊपर ऐसे पलट के रखूं तो बिल्कुल डिट्टो बनेगा, समझ रहे हो ना? मैं इसको यहां से उठा के यहां कर दूं, ये ऐसे मान के चलो कि ये दो ट्रायंगल थे तुम्हारे ऐसे, ये ऐसा फिगर है तुम्हारे पास, ऐसा था ये, ऐसा ही है ना कुछ? अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं तो मैं इसको उठा के ऐसे रखूं तो इसको सुपर इम्पोज हो जाना पड़ेगा। कैसे सुपर इम्पोज हो रहे हैं पहले वो देखना, ये ठीक है जी, ये इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारे पास, यही दिख रहा है तुम्हें फिगर में? अगर इन दो ट्रायंगल को मैंने कॉन्करेंट किया तो अगर मैं इसको उठा के ऐसे करूं तो इसको सुपर इम्पोज होना है। सुपर इम्पोज होना है का मतलब है ये इसके बराबर गिवन था, ये तो सेम ही साइड है तो ऑब्वियसली सेम रहेगी, और इसको इसके साथ मैचअप होना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमने कहा कि बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। और करस्पॉन्डिंग पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देख चुके हैं, जो बराबर वाले हिस्से हैं वो ही सुपर इम्पोज कर सकते हैं, तो नेमिंग एज वेल एज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का इंपॉर्टेंस, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अब देख लो, अगर अभी भी लगता है कहीं कोई डाउट है क्वेश्चन के अंदर किसी को भी, और सिर्फ ये नहीं कि रट्टा मार लिया जी ऐसे ऐसे लिखा था जी हमने भी लिख लिया, पेपर में जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया और होगा, डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, कुछ तो भी चेंज करके ही क्वेश्चन आएगा। पर थॉट प्रोसेस कैसे चलाना है, क्वेश्चन को सोचना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा करो कि क्या क्या गिवन है,
जो गिवन है वो जब तुम्हारे सामने आ गया तो फिर क्राइटेरियाज के बारे में सोचा करो कि मैं क्या गिवन है और क्या मैं इक्वल कर सकती हूँ, क्या दिख रहा है मुझे सामने से इक्वल या क्या बराबर किया जा सकता है। थिंक अबाउट दैट एंड देन थिंक कि कौन सा क्राइटेरिया है जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। हाँ जी, बनती है कुछ बात, आता है कुछ समझ में? चलो क्वेश्चन फटाफट से कॉपीज के ऊपर ड्रॉ करो, डायग्राम अपने हाथ से बनाना है कॉपी के ऊपर। शाबाश, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं वैसे, पर चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा करते हैं। हमारा पर्पज है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, यही एफर्ट आपके टीचर्स का भी है और यही एफर्ट हमारा भी है। ठीक है जी, पर्पस सिर्फ एक ही है, यू पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। रट्टा मार के काम नहीं करना, समझ के करना है। लो जी, डायग्राम बना लो फटाफट अपना। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है और फिर जो कुछ मुझे बराबर दे रखा है उसको देखते जाना है, हमने लिखते जाना है। मैं फिर कह रही हूँ, ये जो मार्किंग की होती है आपके इसके ऊपर, अगर तो वो सिंपल कह रहा है कि डायग्राम से ही देख के बात करो तो बात अलग है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो इन्फॉर्मेशन को खुद डायग्राम पे लेकर के आओ ताकि तुम्हें बातें समझ में आए कि वो क्या रहा है। पहली इन्फॉर्मेशन वो हमें कह रहा है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये ए डी बी सी के इक्वल। फिर उसने कहा एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल, जब कुछ पार्ट्स वाले एंगल भी हो और कुछ हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजन होने का सीन हो जाता है। इज इक्वल टू सी बी ए, मतलब ये पूरा एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल। अब हमने बात करनी है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी की। अब जरा ध्यान से देख लो सारे के सारे, जिस तरीके से तुम्हें बोला ये दो ट्रायंगल्स को सबसे पहले लोकेट करो। लोकेट करने के लिए अगर आपके पास दो कलर के पेन हैं, मैं भी मार्कर मंगवाती हूँ, दो कलर के पेन हैं तो काम और ज्यादा इजीली समझ में आ सकता है। हाईलाइट कर दो, एक ट्रायंगल है एबीडी और दूसरा है बी ए सी। यादव जी एक रेड मार्कर देना मुझे, रेड रेड जल्दी से रेड कलर का मार्कर दे दो, रेड या ग्रीन कोई भी। ये चलता है? चलता नहीं है यार। कोई और पड़ा है इंडला हुआ ही तो? हाँ जी, ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा है बी ए सी। मैं इसको थोड़ा सा अलग से ऐसे ड्रॉ कर, एक मिनट, मार्कर अभी आ रहा है मेरे पास दूसरे कलर का, बट तब तक के लिए आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस। अब दो ट्रायंगल्स जो आपको दे रखे हैं इनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन। हाँ जी, और कोई जिसको नहीं समझ में आता, अपने आप किसी के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो आप अपने बारे में जानते हैं कोई और नहीं जान सकता। जो कहता है कि मुझे नहीं आते क्वेश्चन, मुझसे नहीं होते सॉल्व, आ जाओ माइक के पास, किसी को कहने की किसी की जरूरत ना हो। और ये सिर्फ ये नहीं कि 9th A में से ही ऐसे बच्चे हैं, बाकी क्लासेस में भी बच्चे हैं। इधर 9th B से मुझे किसने कहा था अप्लाई करना नहीं आता, लो जी 9th A से ही आया एक बच्चा, चल शाबाश। जब तक आप लोग अपनी हेजिटेशन छोड़ करके पूछेंगे नहीं बातों को, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करना चाहेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे डाउट क्लियर कर दे। पूछना आप ही को पड़ेगा, टीचर सिर्फ डाउट क्लियर कर सकता है, कोई ज्योतिषी नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में घुस के देख लेगा कि तुम्हारे को डाउट क्या है। उतनी अभी पावर है नहीं, पावर सिर्फ डाउट क्लियर करने की है।
पूछना अभी को पड़ेगा। इन जनरल जो बातें बताने की हैं वो आपके टीचर ने भी बता दी, मैंने भी बता दी, लेकिन कोई पर्टिकुलर डाउट है आपका, आपको अप्रोच समझ में नहीं आती है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ नहीं आती, प्लीज आस्क। हाँ बच्चे बोलो बेटा। देखो जरा, ये दो ट्रायंगल हमने लिए, एक ये और ये जो एक डबल लाइन वाला ट्रायंगल है, इनमें कोई चीजें बराबर दिख रही हैं आपको? बोल बेटा कुछ दिख रहा है? हाँ बोलो, जोर से बोलना, आवाज नहीं आती वरना मुझे। अधूरा हाँ बताओ क्या दिख रहा है, माइक को थोड़ा सा ऊपर हाथ में ले ले बेटा। हाँ बोलो क्या बराबर दिख रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ सर, सर की आवाज आ रही है, इतने दूर खड़े हैं उनकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज जो भी नहीं आ रही। AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB। AB इज इक्वल टू AB, सेम ही लाइन की बात कर रहे हो, दोनों ट्रायंगल का पार्ट बन रही है। ए ठहर जाओ एक मिनट। क्या यादव जी कैसे कमा करेंगे, कोई ढंग का मार चाहिए। हाँ जी, यहां पर कौन से साइड? AB इज इक्वल टू क्या कह रहे हो बेटा? यही कह रहे हो? मुझे कुछ सुन नहीं रहा, क्या बोल रहे हो? AB इज इक्वल टू AB बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो? कॉमन, ये वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है AB। ABD ट्रायंगल में भी AB पड़ा है और BAC में भी AB पड़ा है, और कुछ इक्वल दिख रहा है बेटा? कुछ गिवन था मुझे क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन था? पढ़ना जरा क्वेश्चन में, कुछ गिवन था? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच AD इज इक्वल टू BC, गिवन है क्वेश्चन के अंदर? लो जी, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन हो गया, और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? एंगल DAB इज गिवन टू बी इक्वल टू एंगल CBD, ये दो बातें गिवन हैं, ये मुझे दिख रही है। इसका मतलब आपकी दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो रहा है। कितनी बात समझ में आती है? दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो रहा है, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है? कौन से क्राइटेरिया में दो साइड और एक एंगल आ रहा है? ऐसे ऐसे लग सकता है, अभी श्योर नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों श्योर नहीं है? देखो जी, हमने यहां पर देखा था कि ये दो मेरे पास ट्रायंगल थे, ये वाला और ये वाला, इनमें दो साइड्स बराबर थी, एक एंगल भी बराबर था, 15-15 साइड, 18-18 साइड और 35-35 का एंगल, लेकिन कॉन्करेंट नहीं थे।
नहीं थे ना। तो जब दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी है एस से एस लगने की, लेकिन लगा के नहीं, उसके लिए क्या चेक करना है मुझे? दो जो साइड्स में बराबर कह रही हूं, क्या उनके बीच का एंगल बराबर है? मैंने कहा ए बी ए बी के बराबर, ए बी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर, इन दो एंग साइड के बीच का एंगल ये वाला है और इस ट्रायंगल में इन दो के बीच का एंगल ये वाला है, क्या यही बराबर है? बोल दे बेटा, है कि नहीं है? इसका मतलब क्या मैं कह सकती हूं कि जो मेरा ट्रायंगल एबीडी है वो कॉन्करेंट है ट्रायंगल बीएसी के किस रूल से? एस से एस रूल से। अब भी कोई ऐसा जिसके दिमाग की घंटी नहीं बजी हो? एनी डाउट एनीथिंग कि मैडम ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों कर लिया, कुछ भी जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, डाउट्स कभी भी साथ लेकर के क्लास से बाहर मत जाया करो। किसी भी क्लास में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, डाउट अगर साथ लेकर के जाओगे तो वो बस डाउट ही रहेगा सिर्फ, कोई फायदा नहीं है उसका। आस्क, जहां पर दिक्कत लग रही है, दो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी सिर्फ, दोनों क्वेश्चंस में क्या समझ में नहीं आया मैं फिर से पूछ रही हूं, कहां गलती होती है, क्या समझ नहीं आता वो बताओ मुझे। दो दो बातें दोनों क्वेश्चन में दे रखी थी, सिर्फ एक बात तुमने ढूंढी, वो भी कॉमन वाली जो सामने से दिखती है। हाँ जी बोल दो, कोई और डाउट कुछ पूछना चाहता है कोई भी मुझसे तो बताओ फटाफट, नहीं तो अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है और मैंने अब माइक के पास बुला करके पूछना है। थर्ड क्वेश्चन, यू पीपल आर सपोज टू डू, आई विल बी कॉलिंग स्टूडेंट नियर द माइक एंड विल आस्क हाउ यू हैव डन इट। किसी को कोई प्रॉब्लम पहले दो क्वेश्चंस को समझने में कि क्यों किया क्या किया? हाँ जी, यहाँ किसी ने मुझे बोला था, 9th से ही शायद बोला था कि क्वेश्चंस में अप्लाई करना नहीं आता। अभी बताओ जी, कुछ बात समझ में आई है कैसे अप्लाई हुआ क्राइटेरिया, जिसने भी मुझे बोला था? हाँ ना, कोई जवाब तो दे दो, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो ना बोल दो, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, क्या दिक्कत है? चलो फिर फर्स्ट। हाँ जी बोलो जी। मैम डायरेक्ट एंगल ए एंड एंगल बी हम इक्वल ले सकते हैं डी ए बी एंड सी बी ए की जगह? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि कंप्लीट एंगल है तो आप एंगल ए और एंगल बी लिख लो, लेकिन जो किताब में दिया है हमने वो इंफॉर्मेशन है सच लगा दी, ज्यादा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, सामने से दिख रहा है। अगर यहाँ पर एक बार ध्यान से सुन लो, अगर मैं इस पूरे एंगल की बजाय इतने की बात कर रही होती फिर नेमिंग वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अभी यहां पर अगर आप इसको एंगल ए बोल दो और इसको एंगल बी बोल दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल लो नो प्रॉब्लम। और कुछ? चलो फिर फटाफट जरा थर्ड क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो कॉपीज के ऊपर, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है लिखो और देखो कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो। बातें करने को नहीं कहा मैंने, फिगर डायग्राम जो आपका फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का ड्रॉ करने को बोला है, तो
और जो जो यहां बोला जा रहा है उसको जरा देखते जाओ। एडी एंड बीसी आर ईच परपेंडिकुलर टू एबी। एडी एंड बीसी परपेंडिकुलर हैं एबी के। एडी एबी के परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, एबी बीसी के परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है जी, हो गई यहां तक बात। आपको शो करना है दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। क्या कह रहा है? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ये सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बात मुझे बतानी है। लो जी, नाइन्थ बी से अमरजीत। अमरजीत फ्रॉम नाइन। यस मैम। मुझे ये बताओ कि ये इस मतलब क्या है, मतलब मैं क्या प्रूव करना चाहती हूँ? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, व्हाट डू आई वांट टू प्रूव? क्या बात प्रूव कर दूं? तो ये हो जाएगा सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो अगर दो, अब ए बी के दो इक्वल हाफ कौन से करने हैं? कौन से दो पार्ट्स को इक्वल करना है मुझे? ओ बी एंड ओ ए। तो मेरा टू प्रूफ क्या हुआ? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है जी। अब हमें मालूम है साइड्स को, ये दो साइड्स कौन से ट्रायंगल में आ रही हैं? कौन से दो ट्रायंगल हमें मालूम है? इक्वल करने का मतलब है सीपीसीटी से इक्वल होंगे। सीपीसीटी लगाना है मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सोचना क्या है मुझे कि ये जो दो चीजें हैं ओए और ओबी, कौन से ट्रायंगल्स का पार्ट बन रही हैं? क्योंकि इससे पहले दो क्वेश्चन में ट्रायंगल्स गिवन थे कि इसको इसके कॉन्करेंट करो, इसको इसके कॉन्करेंट करो। अब सोचना नहीं था मुझे, यहां क्वेश्चन में नहीं दिया कि किसको कॉन्करेंट करो। ठीक है जी। तो मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना है कि कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट करूं कि मैं इस रिजल्ट पर पहुंच पाऊं। इसका मतलब ये वाला और ये वाली जो साइड्स हैं, वो जिन दो ट्रायंगल्स का पार्ट होंगी उनको ही मुझे कॉन्करेंट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. तो बताओ मुझे कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर करने चाहिए मुझे? ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। चलिए जी, अब मेरे को 9C से ईशा। ईशा फ्रॉम 9C। हाँ बेटा, मुझे कहा गया ये दो ट्रायंगल्स लो और इसको कॉन्करेंट करके देखते हैं, क्योंकि ओ ए और ओ बी इसमें आ रहे हैं इसलिए ये दो ट्रायंगल मैंने सेलेक्ट की। ठीक है जी। और एक इंफॉर्मेशन और भी मेरे को दे रखी है, बीसी और एडी इक्वल हैं, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम में दिया गया है। बोल बेटा क्या करूं? कॉन्करेंसी करने के लिए क्या चीजें मुझे यहां दिख रही हैं? क्या मुझे विजुलाइज करना पड़ेगा? क्या दिख रहा है सामने से वो बता दो उषा। आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ जी, थोड़ा जोर से, लाउड। ओ सी मुझे नहीं सुन रहा, क्या कह रहे हो आप? एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल
नेमिंग करो बेटा फटाफट। आपने कहा डी ए ओ मतलब आप इस एंगल की बात करते हो, ये किसकी इक्वल है? एंगल सी बी। ओके बिल्कुल ठीक है, दोनों 90 डिग्री गिवन है मुझे। और कुछ? एंगल वी ओ सी। ओ डी ए, एओडी एंगल ए ओ डी क्यों है बेटा ये इक्वल? अपोजिट। अब आपके पास दो चीजें, एक आपको गिवन से दिख रहा है और दूसरा एंगल वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से इक्वल। अब दो एंगल बराबर दिख गए हैं, क्राइटेरिया देख लो कौन सा लग सकता है। इधर दिस और दिस, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं और ये दो पॉसिबिलिटी होने के लिए एक कोई भी साइड बराबर मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है? बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है मुझे। यहां पर भी दो बातें गिवन ही थी। 90 डिग्री के एंगल क्वेश्चन में मेंशन है परपेंडिकुलर, ये साइड इसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है। आपने सिर्फ एक बात ढूंढनी थी, क्या ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट। अब ये दो ट्रायंगल हो गए मेरे कॉन्करेंट। किस क्राइटेरिया से कॉन्करेंसी आई है? एंगल एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल और ये बराबर है लेकिन इसकी इंक्लूडिंग साइड बराबर नहीं है, कोई और साइड है जो बराबर है। तो ये दो ट्रायंगल मेरे कॉन्करेंट हुए। ट्रायंगल एओडी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बीओसी बाय एएस क्राइटेरिया। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। अब जो हमने नेमिंग क्यूसी के हिसाब से देख लो, एओ के साथ करस्पॉन्डिंग कौन है? इसका मतलब आई कैन से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी, और यही मुझे प्रूफ करना। एक बार दोबारा देख लो, कोई डाउट? एनीथिंग? दैट इज नॉट क्लियर टू यू पीपल? तीन क्वेश्चन हमने किए हैं, तीनों में आपने देखा दो दो बातें क्वेश्चन दे ही रखी थी, आपके लिए छोड़ा ही कुछ ज्यादा नहीं है, एक एक चीज तुमने बस। हाँ जी बोलो। इन तीन क्वेश्चंस में किसी का कोई डाउट है तो बता दो, चलें जी आगे फिर चौथे क्वेश्चन पर। Yes. चलो एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ये एल और एम पैरेलल हैं, ये P और Q से इंटरसेक्ट हो रही हैं, दो पैरेलल लाइंस। इस पॉइंट को A बोला गया है, ये B है, ये C है, ये D है। A और C को ज्वाइन कर दिया गया है और अब बोला गया है ट्रायंगल ABC को कॉन्करेंट करना है CDA से। अब यहां पर ट्रायंगल सामने से दे दिए गए तो ट्रायंगल सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में सोचने की जरूरत थी कि कौन से दो ट्रायंगल उठाऊं कॉन्क्रीट करने के लिए। यहां पर अब एक चीज और दे रखी है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज अभी आप करके हटे हो थोड़े दिन पहले ही, बोलो बेटा। आपको
राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ना द लेफ्ट एंड राइट दे टेक द मिसमैच कुछ गलत लिख दिया मैंने एंड मेक अ मिस्टेक दिस लाइन का इधर भी टाइम नहीं सेंस नहीं एंड वी कैन हैव टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ एक्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड सीडी ऑन द राइट साइड एंड वी आई हैव टेकन द टेस्ट आल्सो बट दे थ्रू दे डोंट सी द एनी ट्रायंगल दे राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दे गो द दिस बट दे राइट द लेफ्ट साइड दे राइट ऑन राइट द राइट साइड ऑन राइट साइड सर मुझे ना बात समझ नहीं आ रही आपने क्या बोला सी डी ए है या क्या वो देख लेते हैं सर जो बुक में दिया मैंने लिख दिया लेट अस सी कौन से इक्वल बनते हैं कैसे हो रहे हैं वो विल सी टू दैट सी डी ए देख लेते हैं अभी पहले पहले हम वहाँ पैरेलल लाइंस के पहले रूल्स लगा के देखें हाँ जी बोलिए जी अच्छा ओके सर ठीक है वो भी देख लेते हैं हाँ जी हमने ये दो ट्रायंगल्स की बात करनी है और इसमें अपने बात करनी है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज की ठीक है जी अब पहले ये बात करते हैं जरा पी और क्यू पैरेलल हैं तो इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन है AC इज दी ट्रांसवर्सल अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल दैट इज डी ए सी किसके इक्वल होगा ए सी बी के इक्वल ठीक है जी क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे ही ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा DCA व्हाटएवर यू वांट टू कॉल बस जी बस बातें नहीं तो इन दो ट्रायंगल में हम कह रहे हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD और दूसरी बात हम कह रहे हैं DAC इज इक्वल टू AC दो एंगल बराबर मिल गए हैं कौन सा क्राइटेरिया ASA या AAS मतलब एक बराबर साइड ढूंढनी बाकी है कोई दो बराबर दिख रही है ट्रायंगल्स हम बात कर रहे थे ये वाला और जो दूसरा ट्रायंगल है वो ये वाला दिखा कुछ बराबर AC आप देखो इस पे ब्लैक और रेड दोनों आ रहे हैं आपके पास दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट बन रहा है मतलब AC इज इक्वल टू AC ये हो गया कॉमन अब जब नेमिंग की जो बात आपको कही जा रही है सर भी जो बात कर रहे हैं इस एंगल के अपोजिट आते मत करो भाई ये एंगल इसके बराबर है और इसके अपोजिट साइड ये है सिमिलरली ये वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड और यहां पर ये वाली साइड तो अब साइड्स की कोई कंफ्यूजन रहेगी अकॉर्डिंगली आप नेमिंग कर लो अगर ABC तो यहां से क्या आएगा फिर AB
यहां पर एंगल जो बन रहा है ए पॉइंट पर और यहां बन रहा है सी पर, तो अगर आप डी सी लिख दोगे एंगल गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखो। अगर ये दो ट्राइंगल बराबर कह रहे हो तो ए बी सी का ए एंगल मतलब ये और इसका सी एंगल ये, अगर मैं यहां डी सी ए कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डी सी ए का मतलब मैं ये वाले एंगल की बात कर रही हूं, ये बराबर नहीं है इसके, ये बराबर है इसके। इसका मतलब जब आप नेमिंग करेंगे तो सी डी ए और जब साइड्स भी लिखेंगे, ऑल दो ए बी इज इक्वल टू सी डी लिखूं या ए बी इज इक्वल टू डी सी लिखूं, एज सच फर्क नहीं है, उन्हीं लाइंस की बात हो रही है। लेकिन जब हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल की बात करते हैं तो अभी हम बात करके हटे हैं कि ऑर्डर क्या लिखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ए बी लिया तो यहां से सी डी होना ही पड़ेगा। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए ही लिखेंगे हम उसको। ठीक है जी, ये समझ रहे हो? कॉन्करेंसी आई है मेरी ए ए एस, और आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने में भी दिक्कत नहीं है। इसके अपोजिट और इसके अपोजिट जो साइड्स वो बराबर, ये बराबर वाला एंगल इसके अपोजिट ये साइड, ये दोनों बराबर इसके अपोजिट ये साइड, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन। नाउ यू कैन नेम देम वेरी वेल। ठीक है जी, तो ये चार क्वेश्चंस एक बार दोबारा आप जा करके रिवाइज करेंगे, देखेंगे, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछेंगे कल की क्लास में। हम यहीं से आगे शुरू करेंगे, मॉड्यूल छोड़ दो, तुम पहले एनसीईआरटी करो। ठीक है जी? यस मैम। ओके, थैंक यू। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टीचिंग। बाय मैम, थैंक यू फॉर टीचिंग। थैंक यू जी। ओके जी।